बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी की वाणी लोगों के जहन में उतर तो गई, लेकिन समाज में वह संदेश दे गई जो आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं बनारस में उस महान शख्सियत की, जो अपने अल्फाजों से, अपने खुले विचारों से आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। देश और दुनिया में उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। दरअसल वाराणसी के लहरतारा में स्थित है कबीर दास जी की जन्मस्थली, जहां पर तालाब के किनारे उन्हें नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने पाया था। आज उस कबीर मठ का स्वरूप बदल चुका है। तो कबीर स्थल पे हैं, आओ देखें कि चारों तरफ कार्य बहुत प्रगति पे है। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, यही पुराना मंदिर है जो आप देखिए कि कबीर प्राचीन मंदिर है। और आपको बता दें कि हम पूरा इसके बारे में जानकारी यहाँ के जो महंत हैं हमसे सीधे पूछ लेते हैं। जी, इस मंदिर के बारे में बताइए। ये सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली मंदिर है, और उस समय के जो उनके शिष्य राजा वीर सिंह देव द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। और उस समय ये कह सकते हैं ये मंदिर के साथ साथ मंदिर और मस्जिद के आकार लिए हुए सेम हम यही आकार जो कबीर साहब जहाँ शरीर छोड़े मगर वहाँ के मंदिर की जो बनावटी है वो भी यही है। तो ये कह सकते हैं यही वो स्थली है जहाँ कबीर साहब पाए गए थे, प्रकट हुए थे। और ये हमारे बगल में पूरे लहरतारा सरोवर है जो गंगा से जुड़ता था, अस्सी और वर्णा नदी को जोड़ने का काम करता था, लेकिन अब वो नदी तो ख़त्म हो के कगार पे, नदी के बाद सरोवर की रहा और सरोवर के बाद अब तालाब के रूप में परिवर्तन हो गया। लेकिन आज भी काफ़ी हिस्सा बचा हुआ, लेकिन लोगों को कब्जे किया जा रहा है। तो यहाँ पर कबीर साहब पाए गए थे, आप देख सकते हैं जहाँ कबीर साहब प्रकट हुए थे कमल के फूल पे, तो कमल के फूल पे वो दिख रहा। उनके माता पिता जो नीरू नीमा वो है, जो यहाँ से उनको उठाकर। और दूसरी एक खासियत ये भी है कि उस समय भी ये जगह आश्रम था, जो यहाँ पर स्वामी अष्टानंद के ऋषि हुआ करते थे और वो यहाँ पर तपस्या किए। और ये वही उन्होंने जो यहाँ कबीर को पहले शास्त्रार्थ किए, और यहाँ के बाद फिर उनको जो उनके माता जी थे नीमा वो यहीं के मड़वाडी के, और कबीर जी जो नरहरपुरा पहले था, आज भी नरहरपुरा है, लेकिन अभी जो कबीर जी जहाँ रहते थे उस जगह का नाम कबीर चौरा है। तो पहले जो क्षेत्र काफ़ी बड़ा था तो नरहरपुरा के नाम से जाते हैं, और ये मड़वाडी के। और यहाँ पर हमारी जो उस समय ऋषि हुआ उनके पीछे जस्ट मंदिर के पीछे समाधि भी है, तो ये ऐतिहासिक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये। और पहले भी ये काफ़ी पुराने यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग भी बताते हैं कि यहाँ गुफाएँ वगैरह भी थे, पीछे पुराने मकान भी थे चारों तरफ, उस बीच में ये मंदिर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय है पुराने मकान है बदलता गया, आज ये छोटा सा मंदिर था। और आज ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर 50 लाख रुपया इसके विकास के लिए दिया है, और इसके द्वारा ही आज ये देख सकते हैं ये डेवलपमेंट हो रहा है। चारों तरफ छत पड़ा है, ये नीचे जो ज़मीन है वो अच्छा करने, फर्श करने, क्या कुछ यहाँ जो दर्शनार्थी लोग आते थे कभी बैठना हो या कभी कोई श्रद्धालु को कभी एक दिन के लिए रुकने का मन कर दिया तो उसके लिए नई व्यवस्था था, ऑफिसली के लिए वो दो तीन रूम यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी भी और काफ़ी काम है जो कबीर की जगह को संवारने में किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ सरकार को इस और आगे आकर इसका कायाकल्प करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही आएगा तभी एक हो सकता है कायाकल्प हो सकता है, क्योंकि जनता के द्वारा वो तो थोड़े थोड़े से कई वर्ष लग जा सकता है। तो आप देखिए कि इस मंदिर पे हम आपको सीधे तौर पे दिखलाते हैं कि कबीर जी को कमल के फूल पे पाया गया था। और आपको बता दें कि इस मंदिर के जस्ट बगल में तालाब था, और इस इधर भी तालाब था, लेकिन वो जो तालाब जो एक ही समय तालाब जीवित है, दूसरी तरफ तो मकान उकान बन जाने की वजह से वह तालाब समाप्ति की कगार पे है। आपको बता दें कि ये जो तालाब था लगभग महंत जी के द्वारा बताया गया है कि 17 एकड़ में ये फैला ये तालाब था, उसी में ये कबीर जी कमल के फूल पे पाए गए थे। और आपको बता दें कि और इसी के पीछे
आपको बता दें कि हम आपको सीधे तौर पे दिखला देते हैं कि जस्ट इसी के पीछे उनकी समाधि बनी हुई है। देखिए यही वो जगह है, इसी के मंदिर और मंदिर के पीछे उनकी समाधि बनी हुई है। तो आप स्वामी अष्टानंद जी का जो कबीर को शास्त्रार्थ किए देखे थे उनका एक समाधि है, वो उस समय भी ये आश्रम हुआ करता है। ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। जी जी, तो आप ये सीधी रिपोर्ट देख ले रहे थे लहरतारा मरुआडी से, और आपको बता दें कि अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर आइए कबीर स्थल पे, क्योंकि अब यहाँ पे जो कार्य निर्माण हुआ है यहाँ पे भव्य रूप पकड़ लिया है और दूर दूर से लोग अब यहाँ पे आ भी रहे हैं। सरकार पर्यटन के लिहाज से इसका कायाकल्प कर रही है। न्यूज बकेट से खास बातचीत में मंदिर के महंत गोविंद दास ने बताया कि लगभग 7 करोड़ की लागत से कबीर दास के तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तकरीबन 5 लाख के लागत से कबीर प्राकट्य स्थल का निर्माण कार्य जारी है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर आम लोगों के लिए लोकार्पण करेंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। संत कबीर को आप लोग जानते ही होंगे। संत कबीर लहरतारा में उनका जन्म हुआ था और यही वो मंदिर है मेरे पीछे, आप देखिए यही मंदिर पे उनका जन्म हुआ था। और ये तालाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कायाकल्प किया गया है। आप देखिए कि ये जो तालाब के किनारे बनाया गया है इसकी भव्यता अब बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पर्यटकों के लिए लगातार बनारस में काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो महंत हैं हम सीधे वहाँ पे चलते हैं, हम वहाँ से उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पर्यटक दूर दूर से आते हैं बनारस में घूमने के लिए। एक भी कबीर मठ एक ऐसा है वो भी एक पर्यटक स्थल में ही आता है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोविंद दास शास्त्री है, मैं संत कबीर महाराज जी की जो प्रकट स्थली है वहाँ का महंत हूँ वर्तमान में, और करीब 5 से 6 साल से इस जगह का मैं अपना देख सुन रहा हूँ। और मेरे प्रयास के द्वारा अभी लगातार कई मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री से, राज्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से भी 3-4 बार इस विषय में मैं मिल चुका हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी से भी मिल चुका हूँ, वर्तमान में अभी अर्जुन मेघवाल जी हैं, उनसे मैं प्रचार के द्वारा कह चुका हूँ कि कबीर काशी की पहचान भगवान शिव, गंगा, कबीर, रविदास, बुद्ध, यही 4-5 संतों की वजह से काशी की पहचान है। लेकिन आज तक अभी तक समझ लीजिए जो कबीर की स्थली है वो उपेक्षित रहा है। इसमें हमारा भी एक कारण रहा है कि हम लोग ने किसी ने जो पहले रहे या पहले यहाँ देखते रहे महान, उन्होंने इस विषय में कोई कार्य नहीं किया, लेकिन हमारे लगातार प्रयास से इस अभी नया एक आयाम मिला है। कबीर की स्थली को एक नया डेवलपमेंट के ओर चल रहा है। अब वर्तमान में अभी तालाब को डेवलपमेंट किया जा रहा है, सरकार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, एक साइट का भी पूरे काम हो चुका है। ये करीब 7 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट है जो चारों तरफ पाथवे बनना है। अभी बहुत काम बाकी है और अभी बहुत काम हो चुका है। इस तालाब में जो पानी दिख रहा है बिल्कुल काला दिख रहा है, उसके लिए क्या कुछ योजना है? अभी ये हमारे और एक हमारे सहयोगी है, एक संस्था है, उस इस तालाब के पानी को ट्रीटमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। अगले हम कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे, और इसमें हर रोज़ करीब 12,000 लीटर पानी छोड़ा जाएगा। अभी उसको और बढ़ाया जाए, वो एक बैक्टीरिया युक्त रहेगा जो पानी को साफ करेगा, जो अंदर की गंदगी या प्लोथिन है जो भी कुछ भी है उससे ऊपर आएगा, और इसमें साल भर करीब चलेगा। और ये भी हमारे प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ नाले आ रहे हैं तो उस नाले को सीवर से जोड़ने का, ताकि यहाँ पानी इस नाले में ना, इस तरीके से और भव्य रूप अगर पकड़ लेता है इस योजना के तहत जी, तो आपको क्या लगता है कि कितना पर्यटक बढ़ सकते हैं? नहीं, काफ़ी पर्यटक बढ़ना है, क्योंकि जो काशी में आता है तो कबीर को भी देखने आता है। लेकिन अभी तक तो यहाँ जो आते थे काफ़ी उपेक्षित तो होकर जाते थे, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ अच्छा नहीं होता, आकर्षित नहीं करता, तब तक वो दूसरे को नहीं बताते हैं, तो उससे
पर्यटक बढ़ते नहीं, जब कोई अच्छा चीज़ होता है तो उस चीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं। तो कबीर को तो जानते हैं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ है तो उसके बारे में पूछते हैं तो लोग निगेटिव बात बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, क्या है वहाँ, ऐसे ही है, तो उससे लोग में एक नकारात्मक भावना जाता है, उससे फिर वो बैक होना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है तो धीरे धीरे विकास की ओर, सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड कर रहा था कि जैसे कि मड़वाडी का नाम बदल दिया गया, बनारस रख दिया गया। कुछ लोगों का ये मानना था कि कबीर के नाम पे रखा गया होता तो और बेहतर होता है। हाँ, इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो बेहतर होता है कि क्योंकि मड़वाडी में ही यानी कबीर का एक जन्मस्थली है और कबीर को पूरे देश जानता है, देश क्या पूरे विदेश जानता है, तो कबीर के नाम पर एक समर्पण होता और एक बेहतर होता। कबीर को एक हम उसकी याद को एक संयोजित कर सकते हैं। आज तक हम कह सकते हैं सरकार ने अभी कबीर के नाम पर उस तरह के कोई विशेष कार्य नहीं किया है जिससे कबीर के को पहचाना जाए, जिससे कबीर का प्रचार प्रसार हो। जो भी है कबीर का प्रचार प्रसार हो रहा है तो वो उसकी जो अनुयायी हैं उनके द्वारा हो रहा है, क्योंकि अनुयायी के द्वारा कम ही प्रचार हो सकता है क्योंकि वो अपने सीमित मात्रा में करते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार का उसका कुछ मिलेगा या उसके संशोधन करेगा या डेवलपमेंट की बात होता है तो एकाएक काफ़ी चिट डेवलपमेंट हम जैसे 20 साल में जो कोई काम कर सकते हैं वो सरकार चाहे तो कुछ महीनों में उस कर चीज़ को करके दिखा सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है और एक नया आयाम, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थली के साथ साथ प्राकृतिक और पर्यावरण से संबंधित है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भू संरक्षण की बात करते हैं लेकिन जो लहरतारा तालाब है वो तो बहुत बड़ा भू संरक्षण का काम है, लेकिन इस विषय में अभी कोई काम नहीं हो रहा है और इसको बचा कर हम एक प्राकृतिक वातावरण और भू संरक्षण को भी संयोजित कर सकते हैं। तो ये तालाब तो वैसे अभी छोटे रूप में दिख रहा है लेकिन ये 17 एकड़ के तालाब है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी तक भी इसमें कब्जा लोग किए जा रहे हैं और कई पार्ट में बट चुका है। तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और कबीर के ऐतिहासिक को बचाना पड़ेगा क्योंकि कबीर का पहचान लहरतारा का इस तालाब से ही है। जहाँ तालाब ख़त्म तो ये कह सकते हैं कि इतिहास हमारी ख़त्म। तो ये आप यहाँ के मंत्री सीधे बता रहे हैं कि यहाँ के जो तालाब था 17 एकड़ में था, और आपको बता दें कि ये पार्थवी ये चारों तरफ बनेगा, जब चारों तरफ बन जाएगा तो इस तालाब की खूबसूरती एक बयां करेगी, इस जो पर्यटक स्थल होगा कबीर स्थल होगा। और यहाँ के जो प्रधान हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ का जो ये नया कायाकल्प हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है। हाँ, कि आज न जाने कितने 600-700 वर्षों से हमारे कबीर जी का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, आज माननीय मोदी जी और योगी जी और हमारे महंत श्री गोविंद दास जी के प्रयासों से यह कार्य हुआ और बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य हुआ, जो कि पर्यटक स्थल के रूप में इसको बहुत ही विकास किया गया। और जो हमारे गोविंद दास जी जल के लिए जो कैंप जो दूषित है उसको साफ करना, बाकी का जो उन्होंने बताया है हमारे मन पसंद बात बताया जो सच्चाई आपका है। आपका कितना सहयोग मिलेगा इस जो ये कार्यक्रम कराने जा रहे हैं? हम जो भी हो सकेगा हम आपके साथ हैं गुरु जी के, और जो भी गुरु जी का आदेश होगा वो हम करने को तैयार हैं जी। तो ये प्रधान यहाँ के थे, और आपको बता दें कि दूर दूर से लोग आते हैं कबीर स्थल पे, वहाँ पे जो कबीर का जो सिद्धांत था वो हिंदू को भी डांटे थे, मुस्लिम को भी डांटे थे, लेकिन उसी के लहजा को देखते हुए लगातार कबीर मठ को उस तरीके से सजाया जा रहा है कि दूर से जो लोग आएँ वो कहीं से ना उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरीके के पार्थिव लगातार बनाए जा रहे हैं। और हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखलाते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।